दिल्ली के ओखला से एपी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। शाहीन बाग के सैयद तासीर ने जामे नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सैयद तासीर का आरोप है कि 16 अक्टूबर की रात अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों ने हमला किया और मारपीट की। उसने खुद से रिवॉल्वर से गोली चलाने की कोशिश की तो उसके साथियों ने रोक दिया और कहा जी कि आप ऐसा मत करो, हम इसको निपटा देंगे, आप चिंता मत करो। अमानतुल्लाह खान पर अपनी एक महिला रिश्तेदार के शारीरिक शोषण का केस पहले से ही दर्ज है। इस मामले में अमानतुल्लाह खान जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल अभी जमानत पर है। बीजेपी ने नगर निगम में पेंशन घोटाले का गलत आरोप लगाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी का आरोप है कि 15 मई को हुए पार्षद चुनाव में फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने पेंशन घोटाले का आरोप लगाया था। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पेंशन के मामले पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सूचना आयुक्त को भी फटकार लगाई है। दिल्ली के जाफरपुर इलाके में तेज रफ्तार सेंट्रो कार की टक्कर के बाद स्कूटी पर सवार महिला टीचर पास से गुजर रहे ट्रक के नीचे आ गई। भीषण हादसे में महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार और ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। पूर्वी दिल्ली के पीतिहार इलाके में एक आइसक्रीम की दुकान में घुसकर तीन बदमाशों ने लूटपाट की। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने कैशियर अजय को गोली मार दी। अस्पताल में भर्ती अजय की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दीपावली और छठ में भीड़ को देखते हुए दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। यह आदेश नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिला और आनंद विहार के स्टेशनों पर लागू होगा। बुजुर्ग और विकलांगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। सनातन संस्था के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर उस पर बैन लगाया जाए। ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कही गई है। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2012 में एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर सनातन संस्था को बैन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। सनातन संस्था को बैन करने के लिए विजय रोकड़े नाम के व्यक्ति ने याचिका दी थी। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मजार तक जाने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन अब महिला और पुरुष किसी को भी मजार छूने की इजाजत नहीं होगी। दरगाह के ट्रस्ट ने यह फैसला किया है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट ने महिलाओं को मजार छूने से रोकने के लिए ये फैसला लिया है। पुरुषों पर भी पाबंदी होने की वजह से ट्रस्ट पर भेदभाव का आरोप नहीं लगेगा। हालांकि ट्रस्ट की दलील है कि अभी भी मजार छूने की इजाजत हर किसी को नहीं है। मर्द को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उस प्रमाइसिस के अंदर में सिर्फ वो खुदाम जाएंगे, वो सैयद जादगान जाएंगे जिनका ताल्लुक सिलसिले रसूल से हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नर्सों की यूनिफॉर्म बदलने का फैसला किया है। इसके तहत महिला नर्स मटमैले रंग का सलवार सूट या साड़ी पहन सकेंगी, वहीं पुरुष इसी रंग की पैंट और शर्ट पहनेंगे। इसके अलावा मैट्रन्स के लिए भी यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। अभिनेता सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि शेरा ने हुक्का पार्लर में वेटर अतर कुरेशी नाम के शख्स के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में शेरा समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई के पास कल्याण में ऑटो रिक्शा चालकों टैक्सी ड्राइवरों के बीच मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे के वाहन तोड़ दिए। करीब 8 टैक्सियों और कुछ ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सवारी को लेकर दोनों गुटों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है।